स्मिल्लामान मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के गोल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं और बीच में नॉमिनल एंकर या इंटरमीडिएट टारगेट्स होते हैं तो ये बेसिकली चार कंपोनेंट्स बनते हैं फ्रेमवर्क के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स गोल्स एंड नॉमिनल एंकर आर इंटरमीडिएट टारगेट और इनमें से तीन को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं नॉमिनल एंकर का इशू हम पढ़ चुके पॉलिसी गोल्स के बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी होना चाहिए हाई एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए फिर पॉलिसी टूल्स के बारे में भी बड़ी डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई अब फ्रेमवर्क के अंदर जो लास्ट कंपोनेंट रह गया है वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो अब लेक्चर सीरीज के अंदर मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि मॉनिटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं अब पहले इसका बैकग्राउंड समझ लें हमने ये देखा कि मॉनिटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं और उनमें कुछ कन्वेंशनल टूल्स हैं कुछ नॉन कन्वेंशनल मसलन कन्वेंशनल टूल्स क्या हैं वो पॉलिसी रेट हो सकता है ओपन मार्केट यानी कि पॉलिसी रेट उसको चेंज करना एक टूल हो सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशन हो सकता है इंटरेस्ट ऑन रिजर्व हो सकता है डिस्काउंट रेट हो सकता है या रिजर्व रिक्वायरमेंट का चेंज हो सकता है ये कन्वेंशनल टूल्स हैं और नॉन कन्वेंशनल टूल्स में हमने देखा था कि लार्ज स्केल एसिड परचेजेस हो सकती हैं फॉरवर्ड गाइडेंस हो सकती है या जो रिजर्व हैं उनके ऊपर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो सकता है तो ये डिफरेंट नॉन कन्वेंशनल ऑप्शन टूल्स की थी अब इशू क्या है इशू ये है कि ये हम कन्वेंशनल टूल्स देखें या नॉन कन्वेंशनल टूल्स देखें ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक अप्लाई जरूर करता है लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है या मॉनेटरी पॉलिसी लूज है ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल से नहीं पता चलता ये किससे पता चलता है ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है और उस इंस्ट्रूमेंट का जो टारगेट होता है उसे ऑपरेटिंग टारगेट कहते हैं तो इसलिए ऑपरेटिंग टारगेट से पता चलता है कि पॉलिसी लूज है या पॉलिसी टाइट है तो अब पहले तो डिफाइन करते हैं कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इट इज अ वेरिएबल दैट इज इफेक्टेड बाय पॉलिसी टूल्स एंड इंडिकेट स्टांस ऑफ पॉलिसी यानी कि यह एक वेरिएबल है कोई भी इकोनॉमी का जो मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड है टरी पॉलिसी जिसको इफेक्ट करती है और वो मॉनिटरी पॉलिसी के स्टांस को शो करता है यानी कि ऐसा वेरिएबल मॉनिटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता जिसको मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्ट ही ना करती हो तो ये वो मसलन आप कहें कि जी इनवालिटी अब इन इक्वालिटी को मॉनिटरी पॉलिसी इनडायरेक्टली भले इफेक्ट करती है इनकम इन इक्वालिटी लेकिन उसका डायरेक्टली उसमें इफेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट जरूर है तो जो इनकम इन है वो मॉनिटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता तो हर वेरिएबल नहीं ऐसा वेरिएबल जो मॉनिटरी पॉलिसी से इंफ्लुएंस होता है यानी कि उसका क्लोज लिंक हो उसको हम कहते हैं कि ये मॉनिटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है और वो मॉनिटरी पॉलिसी के स्टांस को शो करता है अब दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या तो रिजर्व एग्रीगेट हो या इंटरेस्ट रेट हो अब किस किस्म का इंटरेस्ट रेट और किस किस्म के रिजर्व एग्रीगेट्स इसको हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि रिजर्व एग्रीगेट हो मॉनिटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट तो उसमें कई ऑप्शंस हैं टोटल रिजर्व्स हो सकते हैं रिजर्व से मुराद जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास हैं नॉन बारोड रिजर्व्स हो सकते हैं क्योंकि रिजर्व्स के अंदर कुछ बारोड होते हैं जो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से बारो किए होते हैं और कुछ नॉन बारोड होते हैं तो या तो टोटल रिजर्व को इंस्ट्रूमेंट बना लें या नॉन बारोड रिजर्व को इंस्ट्रूमेंट बना लें या हमने मॉनिटरी बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या फिर नॉन बारोड मॉनिटरी बेस का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि मॉनिट्री बेस का वो पार्ट जो बारोड नहीं है यानी कि करेंसी प्लस रिजर्व है ना तो वो बारोड रिजर्व बीच में से निकाल दें तो पीछे नॉन बारोड मॉनिटरी बेस तो ये चार ऑप्शन है इनमें से जिसको भी इंस्ट्रूमेंट बनाएगा सेंट्रल बैंक हम कहेंगे ये रिजर्व एग्रीगेट इंस्ट्रूमेंट उसके मुकाबले में इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होगा सबसे पहले अब पाकिस्तान के केस में हम कहते हैं कि ओवरनाइट मनी मार्केट रेट है या कोई और भी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हो सकता है तो पॉइंट ये है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होगा मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म नहीं लॉन्ग टर्म कहीं बीच में चैनल के अंदर जरूर आएगा लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता क्यों इसलिए भी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में कम है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो ये तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, है एक्सचेंज रेट को लेकिन हम उसको ज्यादा डिस्कशन उसकी लास्ट टॉपिक में करेंगे जो कि ओपन इकोनॉमी के बारे में होगा अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं करते अभी हमारी सारी डिस्कशन रिजर्व एग्रीगेट और इंटरेस्ट रेट के बारे में है आगे चल के लेक्चर में मैं आपको यह भी क्लियर करूंगा कि इन दोनों में से एक वक्त में एक को इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है यानी कि ऑपरेटिंग टारगेट एक के ऊपर सेट किया जा सकता है दोनों के ऊपर सेंट्रल बैंक नहीं कर सकता अब यह पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसकी मैं बात कर रहा था कि चार कंपोनेंट्स इसके होते हैं सबसे पहले टूल होता है जहां से स्टार्ट होता है पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन अब टूल में ओपन मार्केट ऑपरेशन है डिस्काउंट रेट है रिजर्व रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट ऑन रिजर्व है ईजिंग है क्रेडिट ईजिंग है फॉरवर्ड गाइडेंस है तो ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों मिला के मैंने टूल्स लिख दिए ये टूल्स जब सेंट्रल बैंक चेंज करता है तो इफेक्ट किसको करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या तो रिजर्व एग्रीगेट होगा या इंटरेस्ट रेट होगा अब किस तरह का रिजर्व इंस्ट्रूमेंट होगा रिजर्व एग्रीगेट या किस तरह का इंटरेस्ट रेट होगा ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं जब ये इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा तो नॉमिनल एंकर की वैल्यू जिस वेरिएबल को नॉमिनल एंकर बनाया हुआ है या जिसको आपने इंटरमीडिएट टारगेट कहा हुआ है उसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा ये मॉनिटरी एग्रीगेट हो सकता है जैसे एम टू या शॉर्ट टर्म या कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हो सकता है लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की मॉनिट्री पॉलिसी स्ट्रेटेजी में हमने पढ़ा कि अब पाकिस्तान के केस में कोई इंटरमीडिएट टारगेट नहीं है लेकिन ज्यादातर मुल्कों का इंटरमीडिएट टारगेट होता है तो बेसिकली टूल चेंज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को या इफेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट करता है इंटरमीडिएट टारगेट को और इंटरमीडिएट टारगेट अल्टीमेट गोल को जाके इफेक्ट करता है और अल्टीमेट गोल में वही है जो हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्राइस स्टेबिलिटी हो सकता है हाई एम्प्लॉयमेंट हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी हो सकता है इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी हो सकता है या एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हो सकता है या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबिलिटी हो सकता है तो ये पूरा मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसको आपने समझना है मॉनिटरी पॉलिसी का जितनी भी डिस्कशन हम पढ़ रहे हैं जितना भी लिटरेचर हम डिस्कस कर रहे हैं जितने इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं सारे इसी फ्रेमवर्क के गिरद घूमते हैं इससे बाहर कोई डिस्कशन नहीं है थैंक यू